नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल हिंदी में। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि आप स्टॉक्स पे बाय और सेल स्टॉक्स कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और पूरा प्रोसीजर है आप सीख लें। दोस्तों जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर आपको बैलेंस पेज क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मैंने 1000 रुपीज़ फ़ंड ऐड किया था। अगर आपका फ़ंड ऐड नहीं है तो यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करके जो भी आपका कन्वीनियंट नेट बैंकिंग है, यूपीआई है या फिर इंडसइंड 3-in-1 अकाउंट है इंडसइंड बैंक का, तो उससे आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद दोस्तों मैंने बताया था कि वॉच लिस्ट कैसे ऐड करते हैं यहाँ पे। तो वॉच लिस्ट पे जाके आप यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ था ITC, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अगर आपको स्टॉक ऐड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लें आप। ICICI बैंक टाइप किए, ICICI बैंक, ठीक है। मैं कैश में रहता हूँ। यहाँ पे आप देखें ICICI बैंक, NSE BSE, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ICICI बैंक जो है 285 चल रहा है अभी। तो मैं दिखाता हूँ कि ITC, मुझे एक स्टॉक बाई करना है, ITC बाई करता हूँ। तो मैं बाई पे क्लिक किया, मैं क्वांटिटी एक ही पुट करता हूँ। अभी जो प्राइस चल रहा है देखें दोस्तों, वो चल रहा है 176 का, ठीक है। और मैं आपको कल एक चीज़ बताया था, यहाँ पे आपको डिटेल्स में देखना है, आस्क मतलब देने वाला, बिड मतलब लेने वाला। मतलब 176.85 पे इतना क्वांटिटी जो है कोई बेचने के लिए तैयार है, और 176.80 पे इतना क्वांटिटी कोई लेने को तैयार है, ठीक है। हमेशा 5 पैसे का बाइंग सेलिंग में आपका डिफरेंस रहेगा, वो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाई सेल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। बाई पे क्लिक किया, बाई ऑर्डर आप सिंपल रखें। अगर आपको आज बाई करना है और आपको अगले दिन या फिर उसके अगले दिन बेचना है, तो एक साल बाद, एक महीने बाद, तो आप सिंपल ऑर्डर रखें। ऑर्डर टाइप मार्केट मतलब क्या होता है दोस्तों, जो मार्केट रेट चल रहा है ना उसी रेट पे आपका बाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें आप प्राइस नहीं डाल पाएंगे, जैसे ही आप डालते हैं लिमिट, तो लिमिट में आपका ये बाई प्राइस ओपन हो जाता है। 175 है तो यहाँ पे मैं 170 भी डाल सकता हूँ। जैसे ही ये 170 आएगा स्टॉक ITC, ऑटोमेटिक ये स्टॉक बाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं मार्केट ही रखता हूँ। दोस्तों इंट्राडे मतलब क्या है, अगर आप स्टॉक बाई कर रहे हैं तो इंट्राडे डिलीवरी देख लें। इंट्राडे मतलब क्या हुआ, आप जो अभी स्टॉक बाई करेंगे, अभी हो रहा है 221, ठीक है, तो ये 330 के पहले जो है ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको ऑटोमेटिक मतलब आप सेल नहीं करते तो इसका सिस्टम ही सेल कर देगा, ठीक है। अगर आपको होल्ड करना है तो डिलीवरी पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, दोस्तों मैंने बताया वीडियो में, वो जाके आप देख सकते हैं कैसा है। तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ हाफ अमाउंट पे करना पड़ेगा इसके लिए, ITC के लिए। जैसे 180 का स्टॉक है तो मुझे 90 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, लेकिन हर 50,000 रुपये पे ये 20 रुपया पर डे चार्ज करती है अब स्टॉक्स, ठीक है। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, अगर आपका मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ आप तब करें जब आपको पता हो कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है और मैं 3-4 दिन के अंदर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसका यूज़ नहीं करता, मैं कैश एंड होल्ड करूंगा अभी, ठीक है। बाई प्राइस जो है मार्केट दिया है तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, ठीक है। ये डे ही रखें, IOC मतलब होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल। तो आपका ऑर्डर प्लेस होगा इस प्राइस पे, अगर आपका बाय हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो आप हमेशा इसको डे रखें किसी भी ऑर्डर के लिए, ठीक है। उसके बाद बाय पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हैं देखें ITC क्वांटिटी 1 मार्केट प्राइस। तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक किया, आपका ऑर्डर जो है देखिए योर बाय ऑर्डर है जितना, तो आपका यहाँ पे जो ऑर्डर डिटेल्स है यहाँ पे आपको दिखेगा ITC जो है स्टेटस कंप्लीट हो गया है, बाय 1 ऑर्डर, डिलीवरी इतना, ठीक है। तो डिलीवरी मतलब ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया। पोजीशंस में देख लें, आपका 1 क्वांटिटी है, यहाँ M2M दिखा रहा है, मतलब जो आप क्वांटिटी बाई किए हैं उसके हिसाब से M2M आपका प्लस है या नेगेटिव है। अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे M2M प्लस दिखाएगा, ये प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ M2M आपका जो है वो नेगेटिव दिखाएगा। तो पोजीशंस में आपका वो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग्स मतलब क्या हुआ, अगर T+2 डेज के बाद ये जो ITC है आपका, मेरा 1 क्वांटिटी, वो मेरे डीमैट अकाउंट में चल जाएगा CDSL में। तो उसके बाद यहाँ पे होल्डिंग आपको T+2 वर्किंग डेज, मतलब आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को मेरा ये जो स्टॉक्स है ITC का वो होल्डिंग में चलाएगा CDSL अकाउंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेड्स मतलब जो आप ट्रेड किए हैं आज का वो यहाँ पे दिखाएगा। आप देखें एक ITC में बाई किया है तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पोजीशन देखें दोस्तों, ये 35 पैसे अभी 40 पैसे मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर 100 क्वांटिटी होता है ये 40 रुपीज़ प्रॉफिट दिखाता, ठीक है। तो ऐसे ही करके है, ये बाइंग का है। अगर आपको स्क्वाड ऑफ करना है दोस्तों तो यहाँ पे क्लिक करें, मतलब ऑर्डर आपको स्क्वाड ऑफ करना है, अगर आपने आज बाई किया आज ही सेल करना है तो यहाँ पे स्क्वाड ऑफ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप यस कर दें, जैसे आप यस करेंगे आपका जो ऑर्डर है देखें
वन ऑर्डर सेल शेयर्स फिल्ड विद द मार्केट प्राइस, तो आपका जो है वन ऑर्डर आपने बाई किया, वन ऑर्डर सेल किया, मतलब जीरो आपका ये पोजीशन जो है आज का बंद हो गया है, ठीक है। आपका 15 पैसे का प्रॉफिट हुआ है M2M। तो ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखें कि आप जो है मेनली अच्छे स्टॉक में ट्रेड करें, आप नए हैं तो भले ये HDFC बैंक आपको 800 रुपये का दिख रहा है, लेकिन ये बहुत फंडामेंटल स्टॉक है, ITC बहुत फंडामेंटल स्टॉक है, ICICI बैंक बहुत फंडामेंटल स्टॉक्स है। तो आप नए हैं तो मुझे पता है कि आप लॉन्ग टर्म नहीं खेलना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस ही बुक करें, ठीक है। ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बाइंग का दोस्तों, तो मैं सेलिंग का वीडियो आपको अभी बना के आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बाइंग कैसे होता है अब स्टॉक्स में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें नए नए वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।